गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शिष्य वही जो अहंकार में नहीं खड़ा होता बल्कि ह्यूमिलिटी विनम्रता के भाव में रहता है। अब तीन घड़े पड़े हों, एक घड़ा टूटा हुआ, दूसरा उल्टा और तीसरा सीधा, तो आप समझिए किस में जल जाएगा। पानी प्रवेश करेगा, जल प्रवेश करेगा उस घड़े में जो सीधा है। तो पात्र को सीधा करना है तो उसके लिए झुकना सीखिए। अपने गुरु को आदर दीजिए, क्योंकि गुरु को आदर दिए बिना आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जिनसे ज्ञान मिलना है उन्हें प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। आजकल तो पैर छूना भी फॉर्मेलिटी हो गया है। उस फॉर्मेलिटी में लोग छू लेते हैं परंतु हृदय से नहीं। जहां जाकर आपका सिर अपने आप झुक जाए, मन करे बस यहीं रुक जाए, वह गुरु का द्वार होता है, वही सदगुरु का धाम होता है। तो ऐसे धाम में जब आप जाते हैं तो अपने आप ही श्रद्धा का उदय होगा। इसका भी एक साइंटिफिक प्रोसेस मानते हैं कि जब आप गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं, सर रखते हैं, तो गुरु जुड़े हैं परमात्मा की शक्ति से, तो वो शक्ति गुरु में प्रवाहित है, विद्युत प्रवाहित है। और आप जब स्पर्श करते हैं चरणों को तो एक सर्कल पूरा हो जाता है और ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। यहाँ बोला गया है सेवा करो तभी उपदेश मिलेंगे। जब हम ऐसी चीज पाना चाहते हैं जिसके लिए जिंदगी है हमारी, जो अंतिम लक्ष्य है परमात्मा, जब उसके लिए हम जी रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं अपने गुरुदेव से, तो कुछ तो सेवा करेंगे। बड़ा ही अशोभन लगता है कि हम मांग रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भक्त है वह सेवा करता है। सेवा का मौका भी मिल गया, बहुत बड़ी बात। गुरु से पूछते भी नहीं कि कहीं कष्ट ना हो, खुद गुरु जब पूछेंगे कि बेटा कुछ पूछना है तब प्रश्न करेंगे। ऐसा भाव, ऐसी निर्मलता, ऐसी सहजता यदि जिंदगी में आई है तो समझिए आप शिष्य होने के लायक हैं।